So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and great as well. So guys, पीछे पहले हुए mess को करिएगा completely avoid, क्योंकि घर में हो रहा है अभी वाइट वॉश का काम और literally घर की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, but फिर भी मैं एक बार आपको दिखाऊँगी. और अभी क्या था, मैं आज शाम में इवनिंग में ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अभी ऑफिस से घर आई थी थोड़ी देर पहले ही, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था सब चीज़ें. तो मम्मी वो सब चीज़ें सेटल कर रही है और मैं बनाने वाली हूँ एक डिलीशियस सी डिश, यानी कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मैगी हाका नूडल्स की रेसिपी, जो कि इंस्टेंट है. क्योंकि आज मम्मी भी पूरे दिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और मेरा भी मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज मैगी से हाका नूडल्स की रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँ. और गाइस, पूरा मैसी हो रखा है घर, बुरी तरह मैसी हो रखा है. आप मेरे इधर देखो, उधर देखो, और हमारे बेचारे कान्हा जी को दिखाती हूँ हमने कहाँ बिठाया हुआ है. सी कान्हा और राधा को हमने यहाँ बिठाया हुआ है क्योंकि पूरा स्पेस फुल हो चुका है, क्योंकि हमें घर में रहना भी है और घर में काम भी कराना है, मतलब एक ही घर में हमारा चल रहा है. और मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है तो थोड़ा सा मतलब मैसी ज़्यादा हो जाता है वाइट वॉश में, आप लोग को पता ही होगा यार, आप लोग के घर में हुआ होगा. तो बस अभी वही चल रहा है, तो चलो फटाफट से चलते हैं और रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करते हैं. बिना स्किप करे देखिएगा और पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा. आ जाओ. सो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे मैंने कर लिया है पानी बॉईल और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑलिव ऑयल. आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो जिससे कि हमारे जो नूडल्स हैं वो स्टिकी ना हो. और यूज़ करने वाली हूँ मैं यिप्पी नूडल्स का यहाँ पे. तो अभी पानी बॉईल हो जाएगा, फिर हम उसके अंदर डाल देंगे नूडल्स. अब मैं आपको इन्ग्रीडियंट सिखाती हूँ. सो चलो गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ मैगी से आप लोग कैसे बना सकते हो हाका नूडल्स, वेज हाका नूडल्स. तो अभी मैं आपको उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ. यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हुई हैं. यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अनियन, यहाँ पे मैंने ली हुई है कैरेट, यहाँ पे मैंने ली हुई है ग्रीन कैप्सिकम, यहाँ पे ली हुई है ग्रीन चिलीज. और हम देसी स्टाइल में खाने वाले हैं गाइस, तो मैंने हरा धनिया लिया है, इसको आप स्किप कर सकते हो. यहाँ पे कुछ मसाले हैं, सोया सॉस लिया है, वाइट विनेगर लिया है, मिक्स हर्ब सीजनिंग ली है और साथ में रेड चिली पाउडर लिया हुआ है. सो चलो गाइस, फटाफट से अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. और हाँ, ये मैंने लिया हुआ है यिप्पी नूडल्स मैं बनाने वाली हूँ, तो मैंने उसका ये मसाला लिया हुआ है. तो चलो आ जाओ, फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं. सो गाइस, ये मेरे हो चुके हैं नूडल्स बॉयल्ड और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस कंसिस्टेंसी में इनको बॉयल करना है. बस इतना ही आपको इनको बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है. तो इनको अभी हम ड्रेन कर लेते हैं फटाफट से, इससे पहले कि ये गल जाए. सो गाइस, ये बॉईल हो चुके हैं नूडल्स और आपको मैंने बताया था इस कंसिस्टेंसी में हमें इन्हें बॉईल करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है. अब हम बढ़ते हैं इसके मसाले की तरफ. सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज. इसको अच्छे से भून लेंगे. हरी मिर्ची भून जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज. और गाइस, अगर आपने हाका नूडल्स खाए होंगे तो आपको पता होगा कि हाका नूडल्स के अंदर वेजिटेबल्स का एक क्रंच रहता है, वो सब्जियां गलाई नहीं जाती हैं, तो हमें क्रंची रखनी है सारी वेजिटेबल्स. तो हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको हल्का सा बस ब्राउन होने देंगे, बिल्कुल लाइट, क्योंकि इसको हमें कच्चा कच्चा रखना है. तो हम इसको हल्का सा भी वो होने देते हैं, हल्का सा हम इसके अंदर मिला देंगे नमक, जिससे कि ये हमारा जो अनियन है वो हल्का सा जल्दी गल जाएगा. सो गाइस, अनियन हमारा जितना हमें कुक करना है उतना हो चुका है. अभी हम इसके अंदर मिला दे रहे हैं कैरेट्स.
और कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। कैरेट्स और हम इसके अंदर कैप्सिकम दोनों साथ में ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा मिक्स देंगे लाइट। अब इसको हम 5 मिनट्स के लिए कुक होने देते हैं। सो गाइज, वेजिटेबल्स हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं। नाउ वी विल ऐड सम सीजनिंग्स। वी विल ऐड मिक्स हर्ब्स। अभी हम ऐड कर रहे हैं मिक्स हर्ब सीजनिंग इसके अंदर। मिक्स हर्ब्स अगर आपके पास नहीं हो तो आप ऑरिगेनो भी ले सकते हो और डाल सकते हो। अंदर ऐड करेंगे गाइस रेड चिलीज, रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाला है तो आप भी चिली फ्लेक्स ही डालेंगी। आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकती हैं। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक कर रहे हैं। तो ये हमारा कुक हो चुका है गाइस। नाउ फाइनली हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे नूडल्स। गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि नूडल्स आपको बहुत तो गाइज मैंने 2 मिनी नूडल्स पैकेट लिए हैं। आप अपने हिसाब से रखिएगा जितने आपके घर में गेस्ट हो, जितने आपके घर में मेंबर्स हो। अब बहुत लाइटली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइज, इसको हमें बहुत लाइटली मिक्स करना है हमें। इसीलिए हमने इनको थोड़ा कच्चा पक्का बॉईल किया है नूडल्स को, क्योंकि हाका नूडल्स जो होते हैं वो बिल्कुल हलवा नहीं होते हैं। तो चलो गाइस, अभी इसके अंदर मिक्स हमने थोड़ा सा कर लिया है, बाकी अभी हम इसके अंदर बाकी की हम अपने कॉन्डिमेंट्स मिलाते हैं, चीज़ें मिलाते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सोया सॉस गाइस। सोया सॉस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अगर आपने खाए हो हाका नूडल्स तो वो थोड़े से वाइटिश इन कलर होते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे विनेगर। और गाइस सोया सॉस भी ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करिएगा। अगर आपको ज़्यादा डालने हो तो आप ज़्यादा डालिएगा, बट इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोया सॉस ज़्यादा कर रहे हो तो सॉल्ट थोड़ा सा आप हाथ रोक के डालिएगा। अब इसमें हल्का सा हम ऊपर से सॉल्ट ऐड कर देंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा सॉल्ट वेजिटेबल्स में भी डाला हुआ है। जब हम उन्हें कुक कर रहे थे तो हम कम ही डालेंगे।
दैट्स इट। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। सो गाइज अब इसको सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे एंड देन उसको हम करेंगे सर्व। तो मैं अब आपको मिलती हूँ सर्विंग पर। अभी हाँ लास्ट स्टेप इसका रह गया है। सो ये सारी चीज़ें गाइज मैंने कर ली हैं मिक्स। अब सबसे लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है इसके अंदर हम जो डालने वाले हैं इसका अपना मसाला, यानी जो मैगी के साथ में या फिर यिप्पी के साथ में जो मसाला आता है वो हम ऐड कर रहे हैं। बस मैं एक ही पैकेट डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे सीजनिंग्स डाल दिए है तो ये उससे भी स्पाइसी हो रहा होगा। सो चलो अब मैं फटाफट से इसको कर लेती हूँ सर्व और मैं आपको मिलती हूँ सर्विंग पे। सो गाइज ये हमारी विच हाका नूडल्स की रेसिपी बनके हो गई है रेडी। तो ये हावड़ा दबड़ी में बनाने वाली एक रेसिपी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको घर में बच्चों के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है, तो आप इसको बना सकते हो। काफ़ी सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर डाल के इसको बनाया है और सी कलरफुल लग रही है। वाइट प्लेट पे मैंने इसको सर्व किया है तो सारी वेजिटेबल्स के कलर कितने अच्छे से आ रहे हैं। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने एक बहुत सिंपल सी रेसिपी, बेसिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर कॉमेंट करना ना भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।